फर्ज कर फर्ज कर इतने मेरी मंगनी का प्रोग्राम किया जाए। सियालकोट की सरजमीन पर बेसिकली बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आपकी नज़र से नहीं गुजरी होंगी, ना ही आपने देखी होंगी। सो आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो आपने या तो फिल्मों में देखी होंगी या तो ड्रामों में देखी होंगी। तो अभी हम घर मतलब वेले बैठे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी में जाएं, मौसम को एंजॉय करें और साथ आपको वो चीज़ दिखाएं जो आपने पहले सियालकोट में अभी तक नहीं देखी होगी। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं सियालकोट में आपको ऐसी कौन सी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि सियालकोट में आपने पहले नहीं देखी होगी। सो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक होता है घर, एक होता है लक्ज़री घर और एक होता है वाइट पैलेस। तो ये वाइट पैलेस है जो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये सियालकोट के एक गांव वरियों में वाक़ है। मेरे ख्याल से पूरे सियालकोट में इस तरह का जो वाइट पैलेस है वो आपने पहले नहीं देखा होगा। तो भी मैं कुछ अंदर के जो नज़ारे हैं, जो शशके हैं, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये क्या बला बनाई गई है हमारे सियालकोट में। बिलीव मी, इस तरह के जो शशके और नज़ारे हैं और इतना बड़ा जो वाइट पैलेस है आप अक्सर तमिल फिल्मों में देखते होंगे जहाँ से 10-15 कार्स आ रही हैं और हीरो की एंट्री होती है और मतलब इस तरह की चीज़ जो है ना वो आप बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते होंगे। वो मेन जो है ना वो गेट है, इधर एक मेन गेट ये है जो बहुत बड़ा गेट है और एक मेन गेट वो है। तो ये महल का जो है ना वो फ्रंट है और इधर से मेन एंट्री है। मेन एंट्री में अगर आप अंदर जाएं तो इतने ज़्यादा कमरे में कि आपको मैं दिखा नहीं सकता। तो ये मेन हॉल है, इधर से एक गली निकलती है, एक इधर से निकलती है, फिर आगे कमरे तो इतने ज़्यादा कमरे हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, मगर जो जो चीज़ें मेरे सामने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका भाई है, देखकर खुशी हो रही है कि यार हर बंदे की हसरत होती है इस तरह का कुछ हो लाइफ में। मगर ये कोई मीटिंग हॉल है, इसके बाद भी कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, बाहर अब अगर चले जाएं इधर भी कमरे हैं। तो वही बात आ गई कि इधर इतने ज़्यादा कमरे हैं, इतने ज़्यादा कमरे हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो बस देखते जाएं, उधर से भी कमरा निकल रहा है, उधर से भी कमरा निकल रहा है, आगे इस तरफ भी गली होगी, उधर से भी कमरे निकलेंगे। फर्ज़ कर इतने मेरी मंगनी का प्रोग्राम किया जाए। मैंने वैसे बहुत घरों की वीडियोस बनाई हैं, कनाल कनाल दो दो कनाल के घरों की, लक्ज़री घरों की, मगर जो इसके अंदर काम हुआ है ना वो मतलब वाकई दिल को अट्रैक्ट किया है भाई, बड़ा डिसेंट सा काम है। और मेरे सुनने में एक और बात आई है कि ये साहिब कह रहे हैं कि इस सोफे पे ना मरियम नवाज़ बैठ के गई है। कोई मतलब ख़ास बात तो नहीं है, मगर मरियम नवाज़ वो आपने देखी हैं शर्मीली आँखें, मरियम नवाज़ आई एम ह्यूज फैन। तो इस सोफे पे सुनने में आया कि वो इधर बैठकर चाय पीकर गई है। ठीक है, हाँ बड़ा महल बनाने की ख्वाहिश तो नहीं है ज़िंदगी में, मगर इतनी ख्वाहिश ज़रूर है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो। ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर करो कि आप मतलब शाना एंट्री मार दो, आप जैसा काम पहले किसी ने ना किया हो। तो बाकी ये बहुत बड़े ख्वाहिशात और बहुत बड़ी जो ख्वाब है वो तो हम नहीं देख सकते, हमें छोटा सा घर भी भाई काफ़ी है, मगर ये है कि ये बहुत बड़ा महल है। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह, मतलब वीडियो बनाते हुए हमारा अचानक ध्यान गया चंदा पे, तो हमें अपना महबूब याद आ गया। अब आप सोच रहे होंगे वो महबूब कौन सा भाई, वो लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, उस्मान आई लव यू बट आई लव यू, तो दिस इज़ यू, मतलब वो महबूब मत समझना क्योंकि हमारा कोई नहीं है भाई। अब एक जो इंटरेस्टिंग बात मैं इस महल के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो महल है ये रिहाइश गाह के लिए नहीं बनाया गया, ये बेसिकली मेहमानों के इस्तकबाल के लिए और लोगों के बैठने के लिए बनाया गया। तो आप हैरत में पड़ जाएंगे और जैसा कि मैं हैरत में पड़ा हूँ कि इतना बड़ा करोड़ों अरबों का काम करके उसको अपनी रिहाइश गाह के लिए नहीं बनाया गया और ना ही अपने प्रोटोकॉल के लिए, सिर्फ एक गांव में इसको तैयार किया गया है ताकि लोग आकर बैठे, मेहमान आए तो बैठे, मीटिंग हो, बस प्रोटोकॉल यू नो। तो इट्स अ सियासत, सियासत में ऐसी चीज़ें ही होती हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। सो अल्लाह हाफ़, एक दिन ना मतलब इस तरह की कुछ बनाना है, इतना बड़ा तो नहीं मतलब इधर से ले कर इधर तक कुछ गड़बड़ तो बनाएंगे भाई, हम इतनी ख्वाहिशात तो हैं। अब महल तो हम बना नहीं पाएंगे मगर घर तो बना सकते हैं ना, तो व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। इसलिए मैं कुछ तस्वीरें इसकी रात की आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ,
तो आप इसके असल नज़ारे तस्वीरों में लें। अगर आप इसका नज़ारा दिन में देखना चाहते हैं तो फिर भी मुझे बताएं, हम हाज़िर हैं भाई, बाइक पकड़ेंगे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है।